एक बार फिर जॉर्ज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एक नए शुरुआत के साथ आज मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड से विषम प्राकृत संख्या ऑड नेचुरल नंबर का सम फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड बताएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में कंपटीशन का क्वेश्चन में या कम्युनिटी क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आता है और बच्चे जब सॉल्व करने बैठते हैं तो ढेर सारा परेशानियां का सामना करना पड़ता है। ये मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि विषम प्राकृत संख्या का सम विद इन अ सेकंड सॉल्व कैसे होता है, ठीक है। तो आज मैं इस माध्यम से आपको बता रहा हूं कि देखिए, जैसा कि मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 आपको चेक ये करना है कि जो विषम प्राकृत संख्या है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि विषम प्राकृत संख्या में ऐड करने के समय बच्चे तो मान लो छोटा नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 अगर 6 नंबर दिए तो लोग तो जान जाएंगे ऐसे जोड़ के कर देंगे, लेकिन कंटिन्यू नंबर अगर बहुत लंबे दूर तक रहेगा तो उनको ऐड करना आसान नहीं होता है। तो उसका टेक्निक क्या है ये मैं टेक्निक बता रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा काउंटिंग करेंगे और आंसर, जैसे सर काउंटिंग करें कितना 1 2 3 4 5 6 कितना 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए आंसर हो गया 36। कंटिन्यू नंबर का विषम प्राकृत संख्या ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लगातार संख्याओं का अगर शुरुआती दौर से 1 3 5 7 9 11 कंटिन्यू नंबर चल रहा है तो इसका तरीका है कि विषम प्राकृत संख्या का जितना भी नंबर आएगा उसको हैंड मान लेंगे, उस पर स्क्वायर करा देंगे, बस इसका सलूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका 1 + 2 + 3 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 17 19 21 ढेर सारा नंबर है। सब लोग अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं पर इसका जो टेक्निक है काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 का स्क्वायर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट आपको रिमेंबर होना चाहिए। जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो ऊपर के आई लिंक बटन में चेक करके प्रीवियस क्लास को देख लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्क्वायर क्या होता है इसका, इसका आंसर 121। इस टाइप से ढेर सारा अगर क्वेश्चन आता है मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ... मान लीजिए चल रहा है क्वेश्चन तो कंटिन्यू नंबर पता नहीं चल रहा कितना लिखाया गया तो उसमें लिखा रहेगा 13 15 17 19 20 21 23 24 27 29 31 32 35 37 and is a अब ये 19 का स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको हर हालत में जितने भी कंपटीटर्स है उनको स्क्वायर स्क्वायर रूट मिनिमम 50 तक स्क्वायर मिनिमम 10 तक क्यूब उसी के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट और उसी के अकॉर्डिंग क्यूब रूट आपको रिमेंबर होना चाहिए। अगर होता है तो आपका आंसर विद इन सेकेंड, आप कितना समय लगा जितना टाइम आपको नंबर काउंटिंग में लगा कि कितना नंबर है कितना नंबर का सम करना है पता चला 19 और 19 का स्क्वायर आपको अगर स्क्वायर पता है आंसर फिर मल्टीप्लाई करने का प्रॉब्लम आएगा।
इसलिए आपको अगर देखिए अच्छे कंपटीशन बनना चाहते हैं, अच्छे कंपटीशन बनना चाहते हैं तो आपको एकदम इजली में पढ़ना है। हर चीज का एक टेक्निक होता है। अगर आप किसी भी चीज को अरेंज करके रखते हैं तो उसको सुविधाजनक ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। ऐसे मतलब पूरा अगर डाल दिए जैसे तैसे, तो अगर पूरा छीट के रख दिए तो उसको भुना आसान नहीं है। तो आप अगर सीक्वेंस वाइज स्टडी करते हैं, सारा वीडियो मैंने सीक्वेंस वाइज चेक करते हैं, तो जितना भी वीडियो मैंने अभी आप तक अपलोड किया है वो सारा वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि बच्चे फॉल्ट कहाँ करते हैं। बड़े बड़े कंपटीशन में जाते हैं वो फॉल्ट हो जाता है, डिस्क्वालीफाई चले जाते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं भी जाएंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सक्सेस करना है ना। और आपको अगर सक्सेस करना तो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो आपको मेहनत करना है और आपको रिविजन करना है। मैंने ये नंबर दिया, ये दिया, ये दिया। आप डिफरेंट टाइप का अप्रोक्स 100-200 टाइम्स अलग अलग तरीकों से डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेकर के यूज करिए। क्वेश्चन इसी का टेक्निक है। और आपको अगर एक बार सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर का फाइंड करना है, ये याद रखना होगा कि प्राकृत संख्या का सम, वो अलग में बताया पिछले क्लास में वो दिया गया है। इस क्लास में मैंने बताया है विषम प्राकृत संख्या का सम। तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इसका मैं बता रहा हूं। अगर कोई तीसरा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आता है, मान लीजिए देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में क्या आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन आपको सीखना कब है, सीखना कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना था, 19, देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो ये 25 नंबर है। तो मैंने क्या बताया था, नंबर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। अगर आपको 25 का स्क्वायर पता है तो कर लीजिए, फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस सेशन बता चुका हूं स्क्वायर क्या होता है इसका, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से मैं कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आप दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, ओके। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसका टेक्निक जानिए, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। बच्चे को ये पता नहीं होता है कि वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको ये पता नहीं चलता कि वो सॉल्व कैसे होगा, और वो कुछ से कुछ करने लगते हैं। तो सबसे पहले उसका टेक्निक होना चाहिए, ये क्वेश्चन किस बेस पे है, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे होता है। अब इसका सॉल्यूशन इस पे होता है, मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस टाइप से होता है, वो कोई दूसरा इंप्लीमेंट करेगा तो नया फॉर्मूला लगाएगा, नहीं होगा ऐसे। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन एक, दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। और इस क्वेश्चन में आपको सारा नंबर लिखा हुआ होगा, कभी मत समझिएगा कि लिखा हुआ नहीं होगा, एकदम लिखा हुआ होगा, जान लीजिए। जो डॉट डॉट करके रेगुलर नंबर का होता है, क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन लिखा रहेगा, जो भी नंबर लिखा रहेगा, वो कंटिन्यू राइट किया हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि बस डॉट डॉट कर दिया, आप चेक कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा।
ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और इन 5 के अलावा आप घर पे जब भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ अपने पेपर कॉपी में वो लिख करके और चेक भी करेंगे कि सच में वो टेक्निक सही है कि गलत है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, टेक्निक कुछ क्वेश्चन कुछ दे करके वो लिख दिया, अपने अपने मैसेज से क्वेश्चन सॉल्व किया, और वो जनरल में नहीं था, वो आप पार्टिकुलर किसी टॉपिक पे था उसी क्वेश्चन के लिए आंसर। लेकिन ये जो मैं बता रहा आपको जनरल वे में किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो आप कंटिन्यू कहीं तक भी राइट करेंगे ऑड नंबर में, और उसका नंबर काउंटिंग करके अगर स्क्वायर करेंगे आप फिर भी चेक करेंगे इसका सम, तो सेम आपको आंसर सेम आएगा। बहुत सारे क्लासेस में ऐसा क्या होता है कि एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का एक पार्टिकुलर आंसर होता है, और अगर उसी क्वेश्चन को सेट करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे तो उसका आंसर डिफरेंट हो जाता है, तो आप इस बात में भी ध्यान दीजिएगा और खुद से भी चेक करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।